हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम लेफ्ट ओवर दाल से एक यमी टी स्नैक बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लेफ्ट ओवर दाल लेंगे। आप कोई भी दाल ले सकते हैं। बेसन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, 2 बड़ी चम्मच बेसन है। हम एक स्मॉल अनियन को कट किया है मैंने, कोरिएंडर है और ये ग्रीन चिली ली है मैंने। स्पाइसेस में यहाँ पे मैं धनिया पाउडर और चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम अपनी लेफ़्ट ओवर दाल को इसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी दाल जो हमारी यूजली बची जाती है एक कटोरी, उसको हम ले लेंगे और इसमें हम अपना बेसन ऐड करेंगे। तो पहले थोड़ा ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, सारा का सारा इकट्ठे नहीं डालें, लम्प्स पड़ सकते हैं। तो पहले हाफ़ डालें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हम हाफ़ और डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। तो देखिए, लॉकडाउन का टाइम है, हम कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अपना जो भी हमारे पास अवेलेबल है चीज़ें, उनको लेके हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने मिक्स किया। हमको थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी क्या चाहिए ये, तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है इसमें। अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी उसको। तो इस तरीके से हमको इस कंसिस्टेंसी का चाहिए, ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही हमको गाढ़ा चाहिए। देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब हम इसमें ये कटा हुआ अनियन, चिली और धनिया डाल देंगे, फ्रेश कोरिएंडर, और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम अपने मसाले डालेंगे। तो ये धनिया पाउडर है, 1 छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। चिली पाउडर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें, मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। और अब हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे, क्योंकि हमारी दाल में ऑलरेडी सॉल्ट है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें, ध्यान रखें कि दाल में ऑलरेडी सॉल्ट इंक्लूडेड है, तो ज़्यादा ना करें। और इस तरीके से इसको ऐड करके हमने फिर से अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। 5 मिनट के लिए छोड़ दें, थोड़ा सेट होने दें। और फिर हम अपनी गैस पे एक नॉनस्टिक तवे को रख लेंगे। तो तवा मेरा गर्म हो गया है, थोड़ा सा मैं इस पे ऑयल डालूँगी। बस इतने ही ऑयल हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमको नहीं डालना है। और ऑयल हमारा थोड़ा हीटअप हो रहा है, उसके बाद हम अपने जो हमने ये मिक्स बनाया था, इसको हम अपने तवे पे डाल देंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहे तो स्मॉल साइज़ का बनाएं, चाहे तो बड़े साइज़ का बनाएं, आप पे डिपेंड करता है। और अच्छे से स्पून की हेल्प से मैं इसको फैला लूँगी। ये बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी है, लेफ़्ट ओवर दाल से हम इसको बनाते हैं और ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे भी इसको खा लेंगे आराम से। तो बहुत पिकी चाइल्ड है मेरे, बहुत पिकी ईटर है, नहीं खानी दाल एंड ऑल, नखरे होते हैं। तो आप उसको इस फॉर्म में खिलाएं, वो ज़रूर खाएंगे। थोड़ा सा ऑयल हम एंड पे ड्रिजल करेंगे और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम 4-5 मिनट्स के लिए सिकने देंगे। आपको इसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये एंड से थोड़ा ब्रेक हो सकता है। तो देखिए, अपने आप ये जब सिक जाएगा तो साइड्स छोड़ देगा। और इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए, अच्छा कलर आया है इस पर, यही कलर हमको चाहिए। अगेन मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2-3 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से ऐसे प्रेस कर कर के सेकेंगे। तो अच्छे से प्रेस करें और ये दूसरी साइड पे भी हमको सेम ही कलर चाहिए। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत टेस्टी लग रहा है, देखिए। और इस तरीके से 2 मिनट्स हम इसको सेकेंगे इस साइड से। और ये जो हमारा चीला है, दाल का चीला है, ये एकदम रेडी हो गया है। और अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसको टमेटो सॉस के साथ खाएं, चाहे तो चटनी के साथ खाएं, या चाहे तो आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।